and adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे. द टाइम इज़ 4:38. तो गुड आफ्टरनून टू एवरी वन. एंड आज का जो वीडियो है इट्स अबाउट अ DIY इन द सेंस डू इट योर सेल्फ. टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है. तो अभी मैं आया हूँ IMAX भक्ति पार्क. मैंने सोचा इस वीडियो को आउटडोर शूट करते हैं बिकॉज़ इंडोर फिर वापस वही ट्यूबलाइट का जो रेज है वो स्क्रीन पे आता है तो वो शटर करते रहता है बार बार स्क्रीन पे. वो देखने में अच्छा नहीं लगता. जैसे कि मैंने अपना एक लास्ट वीडियो शूट किया था जो मेरा चैनल पे सेकेंड या थर्ड वीडियो था मेरे गैजेट्स का. वो वीडियो मैंने ऑफिस में शूट किया था इंडोर्स में. तो उसकी क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं थी और काफ़ी गंदा दिख रहा था वो. तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को आउटडोर में शूट करते हैं. एंड हियर वी आर. हम लोग पहुंच गए हैं IMAX में. नाउ दिस इज़ IMAX गार्डन, आई मीन भक्ति पार्क. लेट्स फाइंड अ साइलेंट प्लेस जहां पे वी कैन शूट अबाउट आवर वीडियो और आवर वीडियो. और जो आउटडोर का लाइटिंग वगैरह है वो सब तो काफ़ी परफेक्ट आएगा इस वीडियो में. तो दैट वॉज द रीज़न वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो आउटसाइड. सो फाइनली हम लोग को एक ऐसी जगह मिल गई है जो थोड़ी सी साइलेंट है और थोड़ा ज़्यादा वॉइस है यहाँ पे. मतलब थोड़ा सा वॉइस है. तो सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आई होप उसकी ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये रहा मेरा हेलमेट AXR का. रेस एडिशन लिया है मैंने AXR हेलमेट्स. दिस कम्स विद अ डुअल वाइज़र. अभी ये सब तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी. हेलमेट की प्राइसिंग भी बता दी है मैंने मेरे एक वीडियो में जो था. तो द मेन टॉपिक इज़ ब्लूटूथ. आई मीन जो हम लोग का इंटरकॉम होता है तो द इंटरकॉम विच वी बाय फ्रॉम द मार्केट स्टार्ट फ्रॉम 1400. लाइक 1400 पे बेसिक वाले आते हैं जो ब्लूटूथ होते हैं. तो दे स्टार्ट फ्रॉम 1400 एंड दे गो टिल 20,000-30,000. तो मैंने क्या किया है, आई हैव मेड माई ओन DIY हेलमेट ब्लूटूथ इंटरकॉम. तो आई थॉट टू शेयर दिस विद यू. वैसे तो मेरा जो सब्सक्राइबर्स है उसमें ज़्यादा कोई बाइक एंथुजियास्ट नहीं है. सब मेरे फैमिली मेम्बर्स ही है फ़िलहाल. बट इन केस इन फ्यूचर अगर कोई सब्सक्राइबर आते हैं तो दे शुड नो दैट दे कैन हैव देयर ओन DIY ब्लूटूथ. तो लेट्स ओपन द पैडिंग्स. जो हेलमेट का जितना भी पैडिंग है मैं वो सब ओपन करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ कि क्या है एंड मैंने कैसे उसको सेटअप किया है. सो नाउ आई हैव रिमूव्ड ऑल द पैडिंग्स फ्रॉम द हेलमेट. तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन है मेरा इंटरकॉम का. यहीं पे सारे स्विचेस है एंड चार्जिंग भी यहीं से होती है. यहाँ पे मैंने बैटरी इंसर्ट करके रखी है. ये रहे मेरे स्पीकर्स. एक स्पीकर यहाँ पे है, एक स्पीकर यहाँ पे है एंड ये मेरे सारे वायर्स है. अभी आई टेल यू ये स्पीकर्स मैंने कहाँ से निकाले और कहाँ क्या कैसे इसमें लगाए. सो मेरे पास मेरा एक हेडफोन था जो काफ़ी पुराना हो गया था. दिस वन ये लीफ के हेडफोन्स है. काफ़ी अच्छे हेडफोन्स थे. लीफ बेस नाम है इनका. तो ये मुझे समथिंग पड़ा था 700 रुपीज़ का. ऑल दो ये है 1200 का बट मुझे डिस्काउंट में ये 700 का पड़ा था. तो मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया था. काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी एंड बैटरी देता है ये. काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया था और ये बीच से टूट गया था. यहाँ पे मैंने फेविक्विक लगा के रखा है. आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट. तो ये यहाँ से टूट गया था. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कहीं और भी यूज़ कर लेते. वैसे भी मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता. मैं ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ स्कल कैंडी के. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसे पूरा यहाँ से खोला. ये पूरा रिमूवेबल है. इसको दोनों साइड से खोला. इसकी जो भी वायरिंग थी वो सब निकाल के उसको सिर्फ मैंने यहाँ पे डाला है. मैंने किया क्या है, मैंने इसको डबल साइडेड टेप से चिपका दिया है. इसको भी डबल साइडेड टेप से चिपकाया है. इसको भी डबल साइडेड टेप से चिपकाया है. ये भी डबल साइडेड टेप से ही है और यहाँ पर थोड़ा बहुत टेप दिख रहा है. और ये रही बैटरी.
यहाँ पे मैंने अंदर बैटरी इंसर्ट की है। तो जो बैटरी है वो अभी तक मैंने ऐसा टेस्ट तो नहीं किया है कि कितना दिन चलती है, बट फॉर श्योर फ्यूचर की जो राइड्स होगी उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो कितने घंटे चलती है कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद। तो इसका जो मेन यूज़ है वो ये है कि जो जो भी कॉल आते हैं मैं उनको डायरेक्टली रिसीव करके डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, एंड जब भी मैं किसी ट्रिप पे हूँ तो आई कैन एन्जॉय टू द म्यूज़िक, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा उतना। आप हाई वॉल्यूम पे कभी भी म्यूज़िक ना सुने, बट स्टिल थोड़ा बहुत वॉल्यूम पे तो यू कैन यूज़ इट, लाइक इसीलिए इंटरकॉम्स होते ही है ताकि राइडर कैन एन्जॉय हिज राइड। तो फटाफट से अभी मैं पैडिंग लगाता हूँ और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। सो अभी इसका जो भी पैडिंग था वो सब मैंने वापस फिट कर दिया है। नाउ टर्निंग दिस थिंग ऑन इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं, मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे ये उन लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा बिकॉज़ इसका जो बटन है वो काफ़ी अंदर है, बट मेरे लिए इट्स ईजी बिकॉज़ आई एम यूज़ टू इट। तो ये मैंने इसको कर दिया है चालू और अभी ये ऑन हो गया है, एंड अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करता हूँ तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा मेरे फ़ोन के ब्लूटूथ से। जैसा कि यू कैन सी AXR लिख के आ रहा है, ये मैंने ब्लूटूथ को रीनेम किया है अपने ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके। तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। नाउ लेट्स प्ले सम म्यूज़िक ऑन द फ़ोन एंड देन मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आप लोगों को। ये मैं स्पीकिंग ज़्यादा नहीं आता बिकॉज ये जो स्पीकर्स है वो ओपन में है। अभी हेडफोन्स में कैसा रहता है, ये आपके कान जो ईयर्स रहते हैं उन लोगों को पूरा कवर कर लेता है, तो इसके लिए इसका जो बेस है एंड जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट हेलमेट में कैसा, ये नीचे से पैडिंग के पास से थोड़ा ओपन रहता है तो इसके लिए वॉल्यूम इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। मेरी तो खैर कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही होगी जो भी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा माइक अंदर है। कर रहा था पता नहीं मेरी आवाज़ आई होगी या नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरा माइक अंदर था। तो ये म्यूज़िक की आवाज़ थी। अभी लेट मी शो यू हाउ इट साउंड्स ऑन कॉल्स। तो कॉल रिसीविंग का जो बात है वो बहुत लोग सोचेंगे कि इसका कोई यूज़ नहीं है बिकॉज कॉल रिसीव करने के लिए तो फिर भी फ़ोन निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ़ोन को अपने फ़ोन माउंट पे लगाते हैं तो वहाँ से यू कैन डायरेक्टली रिसीव द कॉल, और मैं वही सेम फ़ोन माउंट करता हूँ जो फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास कोई सेकेंडरी फ़ोन नहीं है जिसमें मैं GPS के लिए जिसको अलग यूज़ करूँ और कॉल्स के लिए अलग यूज़ करूँ। फ़ोन वैसे है बट मैं उसको यूज़ नहीं करता। रही बात चार्जिंग की, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली चार्ज करता हूँ। यहाँ से ये दिख रहा है ब्लू ब्लू लाइट आ रही है, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं बिकॉज लाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर एंड कैमरा उतना फोकस भी नहीं कर पा रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। तो ये इसको रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं से डायरेक्ट मैं चार्जिंग इंसर्ट कर दी। इसका बैटरी बैकअप कंटिन्यूसली यूज़ करने पे कितना है वो मुझे नहीं पता। जब मैं इसको एज अ हेडफोन यूज़ करता था उस टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी बैटरी बैकअप मिल जाती थी मुझे अराउंड 8 आवर्स की कंटिन्यूस यूजिंग पे, बिकॉज मैं एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो उस टाइम पर मैंने इसको कंटिन्यूस 8 आवर्स के लिए यूज़ किया था। तो उस टाइम पे इट गेव मी अ बैटरी बैकअप ऑफ 8 आवर्स। अगर फुल वॉल्यूम पे यूज़ करोगे तो शायद थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिले, लाइक 7 या 6 आवर्स तक रिड्यूस होके आ सकता है वो। तो येस दैट वॉज इट, ये था मेरा एक छोटा सा DIY वीडियो अबाउट द ब्लूटूथ हेलमेट इंटरकॉम। तो लेट्स गो, अभी यहाँ से निकलते हैं IMEX गार्डन से। मुझे एक केक भी लेने जाना है बिकॉज आज रजनीश भैया का बर्थडे है। तो यस लेट्स गो। सो चलो लेट्स मूव। अभी मेरा जो सेकेंडरी फ़ोन है वो मैंने यहाँ पे माउंट किया है, तो जब भी जो भी कॉल वगैरह आएगा अगर मुझे उसको डायरेक्टली रिसीव करना है तो आई कैन रिसीव इट फ्रॉम हियर। एंड म्यूज़िक भी अगर स्विच करना है तो मैं यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। तो ये था भक्ति। तो चलो आई हैव बॉट द केक, अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम। केक की शॉप भी ज़्यादा दूर नहीं थी, यहाँ से लाइक 1 किलोमीटर पे मेरा घर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को। यार वैसे लास्ट 2 या 3 दिन से मुंबई का जो वेदर है ना, चुम्मेश्वरी एकदम। दोपहर के टाइम पे ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है, एकदम प्लेजेंट वेदर है। कल मैं सोच रहा था दोपहर के टाइम पे कि मैं जाऊँ राइड पे, बट देन मेरा मूड चेंज हो गया और मैं नहीं गया।
आज भी अच्छा खासा वेदर था तो मैंने बोला चलो यार ये इंटरकॉम वाला या फिर जो भी है ब्लूटूथ हेलमेट वाला, यार मैं थंबनेल लेना भूल गया, शिट, चलो कोई नहीं उसको एडिट कर लेंगे। तो मैं सोच रहा था कि चलो आज ये वाला वीडियो तो शूट कर ही लेते। सो यस, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज। आज है 23rd of March, अभी ये वीडियो पता नहीं कब आएगी, बट जब भी आए मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड जो भी आपके फ्रेंड्स है जो बाइक एंथुजियास्ट है, और दैट्स इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट व्लॉग। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।